लकी बीस्ट और लकी बीस्ट, आखिर कौन है ये शख्स, क्या है इसकी शख्सियत? सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्यों माना जाता है कि लकी बीस्ट जैसा शार्प स्नाइपर कोई था ही नहीं? कहा यह भी जाता है कि भारत का एक बीस्ट ही काफी था 100 टेररिस्टों की सफाई के लिए, वो आतंक था आतंकवादियों के लिए। बहुत किसी का मानना यह भी था कि यह लकी बीस्ट एक बुलेट से 2 आतंकियों का सफाया कर सकता है, जो आज तक कभी किसी ने ना सुना होगा और ना देखा होगा। पर क्यों भारत के इस वीर को जेल में डाला गया? क्या थी साजिश, क्या थी राजनीति? आइए जानते हैं हमारे आज के हीरो की पूरी कहानी, द रियल लकी बीस्ट। लकी बीस्ट का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। पहाड़ों की गोद में बसे इस गांव में साधन सीमित थे, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। बचपन से ही लकी के दिल में देशभक्ति की लौ जल रही थी। वह हमेशा अपने पिता की कहानियां सुनता था जो भारतीय सेना के वीर जवानों के बारे में थी। उसके मन में भी एक सपना था, भारतीय सेना में जाकर अपने देश की सेवा करना। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। लकी के पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, लेकिन लकी ने कभी अपने सपनों को मुरझाने नहीं दिया। वह जानता था कि शिक्षा और अनुशासन ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वह रोज सुबह उठकर दौड़ने और अभ्यास करने निकल जाता था, ताकि एक दिन वो सेना में भर्ती हो सके। 18 साल की उम्र में लकी ने भारतीय सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। उसके माता पिता ने अपनी छोटी सी जमीन बेचकर उसे सेना की भर्ती की तैयारी के लिए भेजा। यह बलिदान उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गया। कठिन परीक्षाओं और चुनौतियों के बावजूद लकी ने अपने संकल्प और मेहनत से सेना की परीक्षा पास कर ली। वह भारतीय सेना का हिस्सा बन गया। सेना में आने के बाद लकी ने अपने उत्कृष्ट निशानेबाजी कौशल और अद्वितीय साहस से सभी का दिल जीत लिया। जल्द ही वो स्नाइपर के रूप में चुना गया, जहां उसने अपने कौशल को और निखारा। उसकी एकाग्रता और धैर्य की वजह से उसे बीस्ट का नाम मिला। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक महत्वपूर्ण मिशन के दौरान जब वो दुश्मनों के बड़े हमले को नाकाम करने में जुटा था, एक साजिश के तहत उसे गलत आरोपों में फंसा दिया गया। उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल की ठंडी दीवारों और अंधेरे कोठरी में बंद लकी ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया। वो जानता था कि वो निर्दोष है, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। जेल में रहते हुए उसके माता पिता ने उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई, सच्चाई को सामने लाने के लिए संघर्ष किया। महीनों की कठिनाइयों और निराशा के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आई, साबित हो ही गया लकी निर्दोष है और उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। जब लकी जेल से रिहा हुआ तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाकर उसकी हिम्मत और साहस की सराहना की। लकी ने अपने जीवन के इस कठिन अध्याय से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, सच्चाई और हौसले के साथ किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। आज लकी बीस्ट की कहानी साहस, संकल्प और सच्चाई की जीत की कहानी है। यह हर युवा को प्रेरित करती है कि अगर दिल में सच्चा जज्बा हो और परिवार का समर्थन हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होगी। उनका जीवन संघर्ष और विजय की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी।